वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 12th क्लास के केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के साथ साथ आपको मोलर कंडक्टिविटी में फिर से बता दे रहा हूं, वैसे पिछले क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया था, उसके बाद मैं उसी से कोरिलेट करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करूंगा और फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो डिनोट किया जाता है लेमडा एम से। लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करता है। ये कंडक्टिविटी कप्पा बाई कंसंट्रेशन सी होता है, यानी कि कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, और कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज कर रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। ओके, तो लेकिन ये इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट जो होता है वो रूट के थ्रू मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है कि यहां पे कंसंट्रेशन, ये एक ग्राफ है जिसमें कंसंट्रेशन का हमने स्क्वायर रूट लिया है और यहां पे कंडक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, या स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो उस कंडीशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दो टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ये ग्राफ भी पूछता है एग्जाम में, इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ये वाला है CH3COH STKC, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl। लेकिन दोनों में एक समानता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इसका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ओके, कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने पे क्या होता है, ये मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं, ये जैसे जैसे ये डिक्रीज कर रहा है ये इधर से इंक्रीज कर रहा है। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे ये कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कंडक्टिविटी बहुत कम है, और यहां पे कंसंट्रेशन हमने हाफ कर दिया तो कंडक्टिविटी यहां पे डबल हो गया। और ये कंसंट्रेशन जीरो के करीब में आ जाए तो उस समय जो कंडक्टिविटी होती है That is called limiting molar conductivity, यानी कि conductivity concentration घटने पे घट रहा है, पर जब बहुत कम concentration हो जाए तो उस समय की जो conductivity होगी, यानी कि सारा का सारा जो ions है वो breakdown हो गया है। Actual में जब हम concentration को decrease करते हैं तो सारे के सारे ions breakdown हो जाते हैं, जैसे CH3COH है, हाई कंसंट्रेशन पे कुछ आयंस के फॉर्म में रहेगा और कुछ कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाएंगे तो उसका जो कंपाउंड है वो कंपाउंड का रेशियो घटते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा और सारे आयंस में कन्वर्ट होते जाएंगे, तो आयंस बचे रहेंगे, तो आयंस जो होगा वो कैरियर होगा, तो कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। एक जब कंसंट्रेशन जीरो के करीब में पहुंच जाएगा तो उस समय की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि व्हेन when concentration is approaches
टू जीरो द मोलर कंडक्टिविटी एट दैट कंडीशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो क्या हुआ यहां, कंसंट्रेशन अप्रोच कर गया जीरो के पास और उस समय की जो कंडक्टिविटी है दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गया। इसको अगर फॉर्मूला से डिनोट किया, इसको डिनोट किया जाता है लेमडा नॉट एम से, लेमडा नॉट एम है और इस ये इक्वल टू होता है, जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो एक्चुअल में इसका फॉर्मूला ना लिख के इसके थ्रू हम लोग निकालते हैं मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकालना होगा तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी प्लस ए जो कि एक कांस्टेंट है इनटू सी टू द पावर वन बाई टू, वन बाई टू लिखिए या हाफ लिखिए बात बराबर है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी प्लस ए सी टू द पावर वन बाय टू। यहां पे सी कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है, वही रूट सी लिखिए या सी टू द पावर वन बाय टू लिखिए, और ए एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू टाइप ऑफ कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का टाइप भी पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइट कई तरह के हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट अगर NaCl है तो NaCl में एक प्लस एक माइनस है तो इसको वन वन टाइप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगर CaCl2 है तो इसमें पहला में दो माइन प्लस और एक माइनस है तो टू वन टाइप हो गया। अगर ZnSO4 है या MgSO4 है तो इसमें क्या हो जाएगा, टू और टू, टू प्लस और टू माइनस, टू टू टाइप। तो किसी खास टाइप के लिए, किसी खास टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, फिर दूसरे टाइप में जाएंगे तो बदल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज अप्रोचेस टू जीरो, बहुत डाइल्यूट कर दे, डाइल्यूट करते जाएंगे करते जाएंगे, जब हमारा मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू अब इंक्रीज नहीं करेगा वो हो जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी प्लस ए सी टू डी पावर हाफ होता है। आपके बुक में एनसीईआरटी में ये इस तरह से लिखा हुआ है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ना देखे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला दिया है। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू रहेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए सी टू डी पावर वन बाई टू या सी हाफ हो जाएगा। तो दोनों फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन चूंकि यहां पे मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए उसी का फॉर्मूला मैंने लिखा है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।